वीडियो से आप लोगों को पता लग ही गया होगा आज हम करने वाले हैं शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वार्म अप से। वार्म अप आप डंबल ले सकते हो 5 kg के या 2 kg के, और उसके बाद आपको जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करनी है ताकि आपके शोल्डर में ब्लड फ्लो अच्छा आए और आप वार्म अप कर सकें। पहली एक्सरसाइज करेंगे हम बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस, और इसमें 4 sets करेंगे, 5 to 8 reps करेंगे। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारी कौन सी मसल को टारगेट करेगा, और इसी तरह से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके बाद हम करेंगे सबसे बेसिक एक्सरसाइज जो कि है डंबल प्रेसेस। इसमें आप अपनी एल्बोज आगे भी रख सकते हैं, और इसी तरह आपको वर्कआउट करना है, और अपनी आप एल्बोज साइड में भी रख सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। और बैक से कुछ इस तरह आपको दिखेगा आप जब वर्कआउट करेंगे, तो इसलिए मैंने सारे एंगल से कवर अप कर दिया है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। अब हम करेंगे लेटरल रेजेस। ये हमारे लेटरल हेड को टारगेट करेगा। इसमें रेपिटेशन आपको रखनी पड़ेगी 12 से 15 और सेट्स करेंगे 4। तो इसमें भी मैंने आपको सारी जगह से सारे एंगल से आपको दिखाया ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। इसके बाद हम करेंगे केबल रोज फॉर रियर डेल्ट्स। ये आपके रियर डेल्ट्स को टारगेट करेगा। इसमें आपको रेपिटेशन रखनी है 12 और सेट रखने हैं आपने 4। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारे ट्रैप्स के लिए जो कि होती है डंबल श्रग्स। आप देख सकते हैं इसमें मैं डंबल श्रग परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने जो शोल्डर है रोटेट नहीं करने हैं। आप देख पा रहे हो कि मेरे रोटेट नहीं हो रहे हैं, और आपको भी स्ट्रेट लाइन में ही चलना है। आप पीछे से देख सकते हैं, और आपको इसी तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। लेग्स का वर्कआउट करेंगे। इसमें हम स्क्वाट से शुरुआत करेंगे, 5 sets और हर सेट में 5 reps करेंगे। ये स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज है, और एंगल आप देख सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की इंजरी ना हो और आप एक्सरसाइज सही से परफॉर्म कर पाएं। पिक्चर में आप देख सकते हैं लेग प्रेस की वेरिएशंस। तो सबसे पहली लेग प्रेस की वेरिएशन जिसमें मैंने करी है, मैंने अपने लेग्स क्लोज रखे हैं ताकि मैं अपनी क्वाड्स को टारगेट कर पाऊँ, और आपको इसी तरह फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। लेग प्रेस में ही हम अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करेंगे। आप देख सकते हैं जो लेग्स की पोजीशन है वो वाइड है, और इससे आप अपने लेग्स में अपनी हैमस्ट्रिंग और अपने ग्लूट्स को टारगेट कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज हमारी हैमस्ट्रिंग को होगी, जिसमें हम आइसोलेट करके अपनी हैमस्ट्रिंग को स्पेशली टारगेट करेंगे। ये लाइन डंबल कर्ल्स होते हैं जो आपकी लेग्स में आपके हैमस्ट्रिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है।